नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M53 5G versus Xiaomi Mi 11 Lite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M53 5G में 6.48 इंच जबकि Mi 11 Lite में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है जो कि M53 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M53 5G में 3.03 इंच जबकि Mi 11 Lite में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है जो कि M53 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M53 5G में 0.29 इंच जबकि Mi 11 Lite में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M53 5G में 176 ग्राम जबकि Mi 11 Lite में 157 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M53 5G में सुपर AMOLED प्लस जबकि Mi 11 Lite में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M53 5G में 6.7 इंचेस जबकि Mi 11 Lite में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M53 5G में 85.46% जबकि Mi 11 Lite में 85.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M53 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Mi 11 Lite में 402 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M53 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11 Lite की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M53 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Mi 11 Lite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M53 5G में Mali G68 MC4 जबकि Mi 11 Lite में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M53 5G में MediaTek Dimensity 900 और Mi 11 Lite में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M53 5G में अप टू 1TB जबकि Mi 11 Lite में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M53 5G में Android V12 जबकि Mi 11 Lite में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी M53 5G में 5000 mAh जबकि Mi 11 Lite में 4250 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M53 5G में 2 कलर्स जबकि Mi 11 Lite में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M53 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 28,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें MI 11 लाइट की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,719 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी MI 11 लाइट की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M53 5G आगे है, मेन कैमरा में M53 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M53 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है, दूसरा वीवो X60 है, तीसरा Realme GT 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।